हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से विजय ज्ञान बाबा। तो आज की वीडियो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब आप फ्रेशर जाओगे तो आपको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, ड्राइंग के हिसाब से काम करवाना आना चाहिए। तो ड्राइंग कैसे रीड करें उसको समझें, तो उसके बारे में ये वीडियो है। चलिए देखते हैं ड्राइंग कैसे रीड करते हैं बेसिक। तो गाइस, जैसे कि आप साइट इंजीनियर हैं तो आपसे कहा जाएगा कि ब्रिक वर्क करवाइए। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, थर्ड फ्लोर प्लान है, एक 20 बेडेड हेल्थ सेंटर। ओके, तो अब हमें ये देखना है, जैसे कोई फ्रेशर है तो अब हमें ये देखना है कि ड्राइंग कहाँ से पकड़ें, जो कि हमें पता लग सके हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर जैसे हम थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं तो ये है स्टेयर केस, तो हम यहाँ से आएंगे स्टेयर से ये। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग को पकड़ना होता है स्टेयर। अब जैसे आप इस तरीके से आए, आपने ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे रैंप बनेगा, ऑन होल्ड एरिया है ये। आपने यहाँ से एंटर करा, यहाँ से एंटर करके फिर आप ऐसे करके ऐसे यहाँ पर आ गए। तो हमें ड्राइंग उस हिसाब से पढ़नी है। अब जैसे आपको इस तरफ ब्रिक वर्क करवाना है तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं इस तरफ हूँ? तो स्टेयर से हमें पता लगेगा कि हम किस तरफ हैं, ड्राइंग को कैसे पकड़ें। ठीक है, स्टेयर के हेल्प से हमें पता पड़ेगा स्टेयर केस से। तो स्टेयर केस ये रहा। ठीक है गाइस, अब ब्रिक वर्क। अब देखो, जैसे कि ये देख लेते हैं हम, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, ये हॉस्पिटल लिफ्ट एरिया, ठीक है जी, और ये है W3, मतलब विंडो। ये ब्रिक वर्क के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। और ये एक दीवार जा रही है 230 की, मतलब 230 मीन्स 9 इंच की दीवार। ठीक है, और ये इस डॉट का मतलब है कि ये दीवार ऊपर तक जाएगी, जो ऊपर बीम होगा मतलब ऊपर तक जाएगी है ये जो, 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 जो ये डॉट है। और जो ये स्पेस खाली है यहाँ पे W3 है, इसका मतलब ये है डॉट का कि ये दीवार ऊपर तक टच होगी। और ये है यहाँ पे D7। अब आप सोच रहे होंगे इनका साइज क्या होगा, तो इसके साइज के बारे में हम चलते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये लिखे हैं, नोट्स भी ज़रूर पढ़ने चाहिए। ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर यूजिंग नोट्स अदरवाइज, रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड, ड्राइंग आर नॉट बी स्केल्ड, दिस ड्राइंग शैल बी मेड इन कंजक्शन विद अदर रेलिवेंट ड्राइंग्स। और ये होता है R1, मतलब रिवीजन कौन सा होता है। अब ड्राइंग भी अपडेट होती रहती हैं, है ना, कुछ भी प्लान चेंज होता है, पहले होता है R0 फिर R1, ये R1 लेटेस्ट वाली है ड्राइंग, तो रिवीजन भी होता रहता है। तो गाइस, तो अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा था W3, तो उसके लिए हम खोलेंगे डोर विंडो डिटेल्स। अब देखो वहाँ पे था W3, ठीक है, W3 है 1200 बाई 650, मतलब 1 मीटर 200 1 मीटर 650। ठीक है, ये इसका सिल लेवल। अब सिल लेवल का मतलब भी आपको बताऊंगा मैं, सिल लेवल ये इसका लिंटल लेवल, लिंटल भी लगेगा। लिंटल मैं आपको वीडियोस में आगे, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो तो मैं आपको लिंटल बता दूँगा, लिंटल कैसे कास्ट करते हैं, लिंटल कैसा होता है और कितने हमें लिंटल का जो वो है साइज कितना होना चाहिए, कितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड साइज सब बताऊंगा आपको मैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। तो जैसे कि ये था W3, तो W3 का था साइज 1200 बाई 1650, मतलब 1200 तो इसकी वो चौड़ाई। ठीक है, अब सिल लेवल इसका बता रखा है 750, मतलब सिल लेवल मतलब अब हम यहाँ ग्राउंड पे हैं। ठीक है, अब ग्राउंड से जो चिनाई उठेगी, ब्रिकवर उठेगा, वो उठेगा पहले 750 तक। ठीक है, 750 के बाद, अब सुनो, 750 तक उठने के बाद सिल लेवल हो जाएगा उसका। अब इस कॉलम से आपको डिस्टेंस नापनी है यहाँ तक 1465। ठीक है, 1465 नापने के बाद उसके बाद आपको छोड़ना है 1230। और 1230 क्यों छोड़ना है ये भी सुनो, 1230 इसलिए छोड़ना है
क्योंकि जो हमें ड्राइंग में डिस्टेंस दी रहती है ओपनिंग स्पेस 1200, तो वो ना पूरा फिनिशिंग के साथ ओपनिंग स्पेस चाहिए होता है। ये नहीं है कि तुमने 1200 छोड़ दिए, अब इसमें प्लास्टर भी होगा है और ये विंडो भी लगेगी, तो थोड़ा वो भी स्पेस घेरेगा, तो इस वजह से हम 1230 दिया है। तो 10 mm इधर वो हो जाएगा प्लास्टर का, 10 mm इधर प्लास्टर हो जाएगा और 2-3 mm वो विंडो का ले लेगा, तो तब जाके पूरा ओपनिंग स्पेस 1200 का बचेगा। ऐसे होता है, ऐसे ही है। यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर 180, यहाँ से 4 मीटर 180, फिर 230 की दीवार, 4 इंची की वो 9 इंची की दीवार होगी यहाँ से। ये वाली डिस्टेंस नाप के पहले रंगत करनी पड़ती है। रंगत मीन्स पहले ये पूरी डिस्टेंस नाप के हम यहाँ पे एक ईंट का वो बनाना पड़ता है, एक ईंट की चनाई करनी पड़ती है रंगत, उससे हमें इजीली रहता है। सबसे पहले रंगत करनी पड़ती है, मतलब रंगत मीन्स लेआउट, ब्रिक वर्क लेआउट, एक तरीके से ब्रिक वर्क लेआउट करना पड़ता है। यहाँ से नाप के जितनी डिस्टेंस दी हुई है ये, तो ऐसे होगा, ठीक है। W3 हमें यहाँ छोड़ा, हमने पहले 750 ग्राम सिल लेवल इसका, उसके बाद फिर हमने यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस छोड़ी, 1230 छोड़ दिया क्योंकि हमें पूरा वो चाहिए। 1230 छोड़ने के बाद फिर यहाँ से जितनी चनाई है वो पूरी उठा दो, ठीक है। यहाँ से पूरी उठा दो। अब यहाँ से उसकी हाइट क्या दी हुई थी, हाइट दी थी 1650। अब 1650 नीचे से नापनी है, ठीक है, फ्लोर से 1650 नापी, वहाँ तक उसकी हाइट होगी, फिर आकर लिंटल आ जाएगा उसके ऊपर। लिंटल आने के बाद फिर नीचे से ही हमें नापना है 2400, जहाँ पे 2400 आएगा वहीं पर ही लिंटल आएगा। लिंटल कास्ट करेंगे, उसके लिए लिंटल होगा, फिर वो दीवार पैक हो जाएगी, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, दबा के लाइक मारो, दबा के शेयर करो इस वीडियो को, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ, इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं कह रहा था कि गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मेरे 500 सब्सक्राइब करा दो गाइस। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।